Good morning. Go ahead, Cody. ये क्या बदतमीजी है? मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला था। मैंने क्या किया? क्या किया? आपने आकर हमारी सारी पूजा में विघ्न डाल दिया है। कौन सा आपका महायज्ञ चल रहा था जो विघ्न पड़ गया आपकी पूजा में? चुप कीजिए। अब खुद तो पूजा करते ना ये, दूसरे करते हैं तो उनको भी ना ही करने देते हैं आप। भाभी जी, आई एम सॉरी बट मैंने सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग बोला था। कहा जरूरत था, कहा जरूरत था आपको? देख रहे ना पति पत्नी को ना पूजा कर रहे हो, तो सुबह सुबह एडिटिंग का क्या जरूरत है? भाभी जी, एडिटिंग तो मैं करना चाहता हूँ इनको आपकी जिंदगी से। मैं कह रहा हूँ ग्रीटिंग्स कहना चाह रही हूँ भाभी जी। आप ऐसे ही पकड़े हैं, अब जाइए यहाँ से, हमको आपका शक्ल नहीं देखना। भाभी जी, अरे क्या भाभी जी, भाभी जी कहा ना इन्होंने, जाइए यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बड़े अंग्रेजी पेल रहे हैं, अगर हमने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया ना तो आपके तोते लाल हो जाएंगे। पैरेट्स विल गेट रेड। हिंदी समझ में आता है, जाइए यहाँ से। ऑलराइट भाभी जी। इतना जरूरी पूजा था, वो अमरी संतान के लिए सब गड़बड़ कर दिए हो। अरे ये आदमी गड़बड़ है, मन करता था कि उठा के पूरे कानपुर से बाहर फेंक दे। अब जाओ दूसरा लोटा लेके आओ। आपका खेत में जाएंगे। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं बिल्कुल, हम आज रात को ही आ जाएंगे। हाँ हाँ, रात गुजारने के इंतजाम से ही आएंगे। हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे आपसे, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो पूरी रात तो लग ही जाएगी। जी जी, लेके हाँ वो उसका इंतजाम भी हो जाएगा, लेके आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? साउथ अफ्रीका के जंगलों में। आप चलेंगी? ना बाबा, मुझे नहीं जाना साउथ अफ्रीका के जंगलों में। तू चली जा। ठीक। अरे भाई, कहाँ घूमने फिरने की तैयारियां हो रही है? हम भी चलेंगे। तेरी बीवी जा रही है साउथ अफ्रीका। बेब्स, यू गोइंग टू साउथ अफ्रीका? तूने बताया नहीं मुझे कि तुम्हारा प्लान है ऐसा कुछ साउथ अफ्रीका जाने का। नहीं नहीं बेबी, मैं तो बस मम्मी जी को यूं ही बना रही थी। दरअसल बात यह है ना कि मैं एक लावणी डांसर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। बेबी, ये तुम अचानक कानपुर से कोल्हापुर कैसे पहुंच गई? मैं बताती हूँ, एक बहुत ही कमाल की लावणी डांसर है छावी झोलकर, और मैं उनकी जबरदस्त फैन हूँ। अच्छा अच्छा, वो ही झोलकर जो अपने तबलची के साथ भाग गई थी? अरे मम्मी जी, आपको हमेशा सबके गलत बातें कैसे याद रह जाती हैं? मजाक कर रही थी। तो खैर, वो जो छावी झोलकर है ना, उन्होंने कोल्हापुर की झोपड़पट्टी से अपने लावणी नृत्य की शुरुआत की। वाओ, इट्स अ सक्सेस स्टोरी यार, दैट्स नाइस। उसके बाद धीरे धीरे करके वो महाराष्ट्र की नंबर वन लावणी डांसर बन गई। लेकिन उसकी स्टोरी तू हमें क्यों सुना रही है? क्योंकि मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मम्मी जी। बेबी, तुम अपने आप ही रिसर्च करो, यू आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तुमसे सलाह नहीं मांगी मैंने, और तुमसे सिर्फ कह रही हूँ कि आज शाम हमें राम नारायण मार्केट चलना है। क्यों? Why? Well, क्योंकि छावी झोलकर जब बुजुर्ग हो गई थी तब उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम अपने छोटे भाई माणिक भाव झोलकर के साथ बिताया। वाह भाई वाह, इतनी जानकारी तो तुझे अपने इस घर के बारे में नहीं जितनी उसके बारे में। क्योंकि मैं उनके ऊपर थीसिस कर रही हूँ ना मम्मी जी, इसीलिए उनके बारे में सारी जानकारी रखना मेरे लिए जरूरी है। खैर, वो जब कानपुर शिफ्ट हो गई अपने भाई के साथ तो उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम उनके भाई से मिलने जाएंगे। तो मिल लो ना यार, फिर मिल लो। मिल लो नहीं, मिलेंगे हम दोनों, उन्होंने हमें दावत पर बुलाया। अरे वाह वाह वाह, आई लव मराठी फूड यार, पंडरा रस्सा तो कमाल है, मुझे बड़ा पसंद है यार, आई लव दैट। बेबी, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, माना की दावत पर हम जा रहे हैं लेकिन खाना तुम्हें बनाना होगा। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि तुम उनके लिए कुरकुरी भिंडी, आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाओगे। वो बुजुर्ग है ना? बुजुर्ग तो ये भी है।
तिवारी जी। हेलो सुंदरी जी, आप क्या कर रहे थे? भाभी जी बस क्या होता है, जो कुछ भी है बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत जी, अद्भुत जी। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या नृत्य कर रही थी आप, क्या नृत्य कर रही थी भाभी जी, एकदम अगर देसी भाषा में कहे तो एकदम कमर तोड़ डांस जी। क्या लेंगे आप? अभी तो घर से सब ले लवा के चले। नहीं, यहाँ से दफा होने के लिए क्या लेंगे आप? ये आप क्या कह रहे हैं भाभी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, एक तो ये मेरा कोई डांस वांस नहीं है, और उसको क्या नाम दिया आपने अभी, कमर तोड़? नहीं भाभी जी, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं ना, कमर तोड़ डांस, हिल हिलाती कमरिया, झाड़ियों में धूम। तिवारी जी प्लीज प्लीज, व्हाट? तिवारी जी, एक तो ये कुछ वैसे टाइप का डांस नहीं है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे छिप छिप के मेरा डांस देखने की? नहीं भाभी, हम छिप छिप कर नहीं देख रहे थे, हम तो आपसे मिलने आए थे, तो अचानक आपको नृत्य करते देखा, तो आपको डिस्टर्ब करना हमने उचित नहीं समझा भाभी जी, बस इतना था। और छिप छिप के ये मेरा डांस देखना आपको ज्यादा उचित लगा? नहीं, दरअसल डांस देखने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो दरवाजा खुला देखा तो दिख गया। और आपने देख लिया जी? तिवारी जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर ऐसे कोई आके छिप छिप के मेरा डांस देखे या कुछ भी करे। What's wrong with you, तिवारी जी? हम बेहद क्षमा प्रार्थी है भाभी जी, कि हमारी आंखों रूपी मधुमक्खी ने आपके नृत्य रूपी पुष्प का रसपान कर लिया। इससे पहले कि आपके मक्खियों पर मैं अपने गुस्से के भवरे छोड़ दूं, आप अपने मक्खियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। सॉरी भाभी जी। अच्छी बात नहीं, फ्री में डांस देके निकल गया। भाभी जी, मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए कि मेरा इरादा आपकी पूजा में विघ्न डालने का बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, फिर जब आप देखे रहे कि हम और लड्डू के भैया पूजा कर रहे हैं, तो काहे बीच में कूद पड़े? मुझे लगा कि आप यूजुअल पूजा कर रही हैं, जैसे रोज जल चढ़ाती हैं वैसे चढ़ा रही हैं, कोई नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाभी जी। चुप कीजिए, काहे रो रहे हैं? तिवारी जी, तिवारी जी, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या बताएं भभूति जी, आज भाभी जी ने हमें बहुत बुरी तरह से जलील कर दिया यार। तो आप ऑलरेडी बहुत जलील हैं। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कहा मतलब कहीं पीट तो नहीं दिया अनु ने आपको? अरे ऐसे कैसे पीट देंगी, कछु गड़बड़ किए का? अरे कछु गड़बड़ नहीं किया भाई, हम तो भाभी जी से हाल चाल जानने गए थे, तो देखा कि वो नृत्य कर रही है, तो हमने उनके नृत्य में विघ्न बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं समझा। और इस शराफत में आप पूरा नृत्य देख गए? जी, बहुत अद्भुत नृत्य करती है। कोई चोरी छुपे उसका नृत्य देखे ना, तो बहुत बुरा मानती और मारती भी है। क्या बात कर रहे हैं? शुक्र कीजिए कि उसने आप पे हाथ नहीं उठाया, समझे, लताड़ के भगा दिया, वरना अगर उसे मालूम पड़ गया था कि आप नृत्य देख रहे हैं ना, बहुत धोती हुआ आपको, वो किसी के सामने डांस नहीं करती। तो क्या मतलब, कुछ प्राइवेट नृत्य करती है? प्राइवेट नृत्य करती है, बोली बात है, मतलब आप मतलब साथ रहते थे पति? भूल रहे हैं कि मैं उनका पति हूँ जी, कभी कभार मेरे सामने वो नृत्य करती हैं, लेकिन मेरे अलावा किसी और के सामने कभी नृत्य नहीं करती हैं, वो समझे आप? एक आँख उसर पुसर चल रहा है। किसी भाभी जी, कितना अच्छा बजा रहे हैं, हमारा तो नाचने का दिल कर रहा है। खबरदार जो एक ठुमका भी लगाया, समझ गई? नहीं नहीं लगाया हूँ मैं, क्या बुरा है, नाचना तो वैसे भी एक तो पार्ट है। अरे पार्ट नहीं, आर्ट होता पगली। सही पकड़े हैं जी, आइए ना एक ठुमका लगाते हैं, आइए। आप लगा लीजिए ठुमका, आप तो वैसे भी नौटंकी और तमाशे की पैदाइश है। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज,
I have blue blood in my veins and I'm from royal family. Royal family की oil family. भाभी जी आपके लिए मेरी जबान पे एक बहुत ही घटिया चीज आई, तो शुक्र मनाइए कि भाभी जी यहाँ पर लड्डू की भैया इतना रात को तैयार हुए हैं, कछु पैसे लेका? का मतलब? अमन बली कि आज तो रोमांस का पूरा तैयारी है आपका। नहीं पगली, तुम्हारे लिए नहीं है। आप क्या बोले? हमने कहा कि हम तनिक बाहर जा रहे हैं। दिया, इतना रात को बाहर कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? अरे वो हमारा एक दोस्त है, उसके दादाजी गुजर गए हैं तो उसी के जनाजे में जा रहे हैं। आपके दोस्त के दादाजी गुजर गए, वो बेचारे दोस्त पर कब कब गुजर रहा होगा जिसके दादाजी चले गए। अरे दादाजी दोस्त के गुजरे हैं, तुम इतने टसुए काहे बाहर रही हो? वो कहा है कि अम्मा जी बोलती है हमको कि बुजुर्ग चाहे किसी का भी हो दूठो आंसू तो जरूर बहाना चाहिए। दिया। बस हो गए बादी आंसू। चलो अब तनिक सोई जाओ। सुनिए का आप तो जनाजे में जा रहे हैं, इतना परफ्यूम काहे लगाए हैं? अरे वो कहा है ना पगली, हमारे दोस्त के जो दादाजी थे ना वो थोड़े रंगीन तबीयत के आदमी थे, तो बचपन में ही तूने कह दिया था कि जब भी हम टाय बोलेंगे तो हमारी विदाई जो है बनठन कर की जानी चाहिए, तो हमारे दोस्त जो है उनकी याद में एक सो जनाजा पार्टी रखी है। ठीक बा? चलो सुनिए कहा है का? वो कहा है ना कि बहुत दिनों से हम कोनो जनाजे में ना ही गए, हम भी चलते हैं। ऐसा है कि विदाई समारोह है, इसमें सिर्फ मर्द अलाउड है, समझ गई? चलो सुनिए और काम का ओ हमारी तरफ से दादाजी आके बाड़ी पर ही फूल चढ़ा दीजिएगा। ठीक बात, चढ़ा देंगे। सुनिए अरे अब का है का है का? ये बोल रहे हैं कि दादाजी को कॉन्डोलेंस भी दे दीजिएगा। कॉन्डोलेंस होता है पगली, कॉन्डोलेंस। सही पकड़े हैं। दुई चार ना अच्छा अच्छा बातें बोल दीजिएगा उनके बारे में। दुई चार नहीं, पूरा का पूरा ग्रंथ लिख देंगे उनकी याद में। ठीक बा? चलो अरे का है, का है? हम ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है अब जाएं। सुनिए सुना अरे यार ये भाभी जी ने भी किस अजीबो गरीब जगह पे बुला लिया और खुद आई नहीं अभी तक। अरे तेरा जगह भी इतनी इतनी डरावनी लग रही है, इतना ढगाल लगली कड़ पानी थेम थेम गड़। अरे यार किस टाइप का गाना गा रही है भाभी जी? ये गरानी गाओ या गानी फिर ये पखरा संग क्या गण बतराओ कैसे आप जी? क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा कैसे हो जी? बस ठीक है, अच्छे हैं भाभी जी। अरे देवा कितने बार बोला है मैंने छावी बुलाने का, छावी। अच्छा क्या कर रहे, छावी नहीं बोल सकते क्या? छावी छावी मस्त वरानलस का है जी, आंडला का। अरे जी वो जो भी आपका ब्रांड था वो लेकर आए हैं। मस्त मस्त साथ में ये चखना वखना भी लेकर आए हैं। अरे गणपत राव तुम्हें का इतना विसर लात, मग पहले इसका इंतजाम करते। ये पकड़ो जरा जी, हाँ ये पकड़ो। ओहो एक घुटकी में सब खत्म कर लो। बहुत कड़ा क्या है, पिया नहीं जाएगा? अरे क्या पिया नहीं जाएगा, पियो 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 जल्दी जल्दी, क्या करने का, एक दो तीन मंडने का और ऐसे घटक करके पी लेने का। मंडने का मतलब बोलने का। हाँ अटक गया, एक दो
तीन शाबाश। गणपत राव आता गेला पोटा मध्ये। क्या पोटा क्या? हाँ पेट में चला गया। चलो ना अभी डांस करते। डांस क्रंची पत्ता है। अरे बाबा तुम लोग ऐसे मुंह फाड़ के घूर घूर के क्या देखते हैं? किसी आदमी को खाना खाते नहीं देखा क्या? देखिए हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं और उसका हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अरे बाबा मैं भिंडी के वास्ते ना किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकता है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताइए, ये छावी झोलकर के साथ आपका क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो तुम्हारा इसके साथ है। अच्छा दिया, पार्वती जी आप तो बोल रहे थे कि छावी झोलकर के भाई हैं। अरे तो ये भी आपका भाई है ना? बड़ा ये क्या बकवास कर रहे हैं? और ये आप कहाँ ले आए भभूती जी? ये तो हमारी बीवी को हमारी बहन बता रहे हैं। कौन सा गजब हो गया यार, कौन सा गजब हो गया? अच्छा मतलब बीवी को बहन बता रहे, इसमें गजब नहीं हो गया? सिर्फ बोले ही तो है बहन, कौन सा राखी बांधी भाभी जी ने आपको? अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि अंगूरी जो है हमें राखी बांध दे? अरे थोड़ी सी बात मान ली थोड़ी देर के लिए। कैसे बस जिस काम के लिए आए हैं वो तो बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं दोनों। अरे बाबा झगड़ने दो ना, झगड़ा मेरे को अच्छा लगता है। मैं और मेरी बहन छावी हम दोनों ना आपस में बहुत झगड़ते थे। और कुछ बताइए उनके बारे में। मेरी बहन छावी जो है ना बहुत ही अच्छा लावणी डांसर थी। अरे दूर दूर तक उसका नाम था। हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते थे, एक नाइट का पता है कितना पैसे लेते थे? 2000, वो भी सिर्फ एक घंटे का। क्या ना पुणे का एक बहुत बड़ा मानुष होता, बिजनेसमैन बोले तो, राहुल खोलकर, उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। का खोलकर? क्या किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि छावी झोलकर वो बिजनेसमैन राहुल खोलकर के प्यार में पड़ गई? बराबर। आगे क्या हुआ? आगे भिंडे खत्म हो गए ना। सुनिए हम ना आपको पेट भर भिंडी खिलाएंगे, आप बस कहानी सुनाइए हमको। हाँ। शपत और है। फिर आगे क्या हुआ ना, राहुल खोलकर था, उसने मेरी बहन को धोखा दे दिया ना। मेरी बहन जो है दरिया में जाके कूद गई, उस टाइम गणपत आके बचा लिया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी बहन छावी जो है वो गणपत के प्यार में पड़ गई। ओहो बड़ी रंगीन तबीयत की रही है आपकी बहन है। रंगीन तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ प्यार की भूख ही थी वो। और प्यार की भूख जो है फिर बुझाई गणपत ने। ये रहा मानुष निकला वो एकदम पागल। मैं ना ढूंढ ढूंढ के उसको परेशान हो गया, पता नहीं गणपत कहाँ गायब हो गया। फिर पता क्या हुआ, मेरी बहन का जो दिमागी संतुलन था ना वो एकदम बिगड़ गया, वो पागल जैसे करने लगी। अब भाई है तो मेरी छोटी बहन ना, तो यहाँ मेरे साथ आके कानपुर में रहने लगी। मैं अपनी तरफ से देखभाल किया लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरी बहन छावी जो है सोने के जहाज पे चढ़ गई और वहां से कूद गई और टैप भूल गई। हाय दिया। एक सेकंड हेलो, एक सेकंड ये बताइए कि वो चने का झाड़ कितना बड़ा था? अरे बाबा चने का झाड़ उतना ही बड़ा था जितना होना चाहिए। लेकिन चने का झाड़ तो बहुत छोटा होता है। बराबर है बाबा, चने का झाड़ छोटा होता है लेकिन क्या है ना, चने का झाड़ तो था वो 10वां मेले पे था।
है तेरी? ऊंची बिल्डिंग। अच्छा तो आगे बताइए, फिर क्या हुआ? फिर क्या है ना, मेरी बहन की जो आत्मा है वो भटक रही थी वहां, उसको शरीर नहीं मिला ना। एक्सक्यूज मी, आपकी दीदी की आत्मा मेरी बीवी के अंदर है इस टाइम। आज शब्द क्या बोलते हैं, उसकी आत्मा को मतलब शरीर मिल गया? अरे वाह। देखिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपकी बहन की आत्मा जो है ना इनकी बहन के शरीर में घुसी है। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास करी आपने? बहन होंगी आपकी, मेरी बहन नहीं है। अरे तो थोड़ी देर मान लेने में क्या हर्ज है भाई? क्यों मने, क्यों मने? अच्छा, हमें मनवाना चाह रहे थे। अरे ज्यादा बकवास मत कीजिए। चुप कीजिए, हम बात करते हैं। देखिए छोड़कर जी। छोड़कर नहीं भाभी जी, वैसे तो ये नाम बराबर जाता है इनकी पर्सनालिटी के साथ, लेकिन आप झोल कर कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। देखिए देखिए भैया, का है ना, बहुत बहुत मुसीबत में है। तुम्हारी दीदी की जो आत्मा है वो इनकी बीवी के अंदर घुस गई है। हम सबको बहुत परेशान करके रखा है, कछु तो मदद करो। ऐसा है, मेरी बहन की आत्मा को ना सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, और वो है गणपत। गणपत? जितना जल्दी हो सके गणपत को ढूंढो, नहीं तो मेरी बहन छावी है ना, वो आप लोगों की बहन बजा सकती है। भैया जी, भैया जी के मुठी कर, मुठी कर। भैया जी, भाभी ने पीट दियो, और इतर लगाने से पहले ही हमारे छितर लगा दिए। ऐसा है सेठ जी, तुमने जो इतर का रुमाल दिया था अनीता भाभी को सुंघाने के लिए ना, वो हम अनीता भाभी को सुंघा ना पाए, और बदले में अनीता भाभी ने जो घूसे मारे हमारे गुर्दों में, कसम खा के कह रही हूँ, गुर्दों में भूस भर गया, गुर्दे मुंह को आ गए। ये रहा तुम्हारा छमिया वाला इतर, और ये बदबूदार रुमाल, बच्ची बनाओ और समझ गए। दफा हो जाओ ऐसे। भैया हम तो आपके सुसाइड बॉम्बर हैं। तुम सुसाइड बॉम्बर नहीं हो बे, तुम फुसकी बॉम्ब हो। दफा हो ऐसे, गेट आउट। यार हमारी अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? भाभी जी, अब एक और कोशिश होगी, और वो कोशिश तिवारी जी करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि अनु आपको गणपत समझती है, गणपत। लेकिन अनीता जी गणपत को लेकर चंपत हो गई तो हमरा का होगा? हम है ना भाभी जी। मैंने कहा तिवारी जी को कल कुछ हो जाता है तो मैं और अनु है ना इनके रक्षा करने के लिए। पहले अपनी बीवी को तो संभालिए, बाद में हमारी बीवी को संभालिएगा। फिलहाल आपको मेरी बीवी को संभालना है और उसको कुछ भी करके इतर सुंघाना है, तभी उसके अंदर की वो जो चुड़ैल है वो बाहर आएगी, जो आपसे मोहब्बत करती है। वाओ मैन, व्हाट अ हॉरिबल हॉरिफाइंग हॉन्टेड लव स्टोरी। हम सुंघाएंगे भाभी जी को इत्र, हम सुंघाएंगे। हमरे हीरो। तिवारी जी बीमार पे लगाइए और निकलिए। खुद क्यों सूंघ रहे, उसको सुखाइए ना। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाभी जी, छावी जी, ओ हो, क्या मजा आ गया भाभी, मजा आ गया छावी जी। जी मजा आ गया जी, चला तो झाड़ू लाओ। मां जी, क्या इनकी औकात यही है? चुप कीजिए। ऑलराइट, ओके फाइन, क्योंकि भैया के बारे में। ओके फाइन, इट्स ऑलराइट। यह एजेंडा अलग है भाभी जी, कॉन्सेंट्रेट। सुना नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? झाड़ू लगाओ पूरे कमरे का। भाभी जी कमाल है, हम तो आपके साथ नृत्य करने आए थे, लेकिन आप तो हमसे काम करवाना चाह रही हैं। क्या बात है, आज तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा उछल रहा है? जी बड़ा मन कर रहा था आपके साथ नृत्य करने का। हाँ जी, देखा आपने कितना करेक्टरलेस आदमी है,
यू वांट टू डांस विद भाभी जी? व्हाट द, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा भाई। चुप कीजिए, ऐसा काहे बोलते हैं? आप ही तो बोले हम रिलेटिव के भैया को ऐसा करने के लिए। ओके 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 फाइन, आई एम सॉरी, यहां पे एजेंडा अलग है, कंसंट्रेट। तू मेरे साथ डांस करेगा? जी हां, बिल्कुल, चाहते तो यही है। चलो फिर। कौन सा स्टेप कर रहे हैं? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड भाभी, जरूरत नहीं है। बिचारे तो कर रहे। प्लीज चुप रहे, डोंट कॉल इट बिचारा प्लीज, एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एजेंडा अलग है यहाँ पे। नाचना वाचना हो गया, रुमाल निकाल लिया, सुखाइए यार। मेरे को शेंडी लगाता है तू? हाँ, मेरे को शेंडी लगाता है। शेंडी मतलब? चल भाग यहाँ से, मैं 32 के 32 तार तोड़ दूँगी। अरे भागो भागो, चुप रहिए, हवा निकल गई आपकी। क्या करें भाई, हटिए आपका। चलिए चलिए चलिए।